वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टॉप 10 बेस्ट वेब सीरीज, जो वेब सीरीज एक से बढ़कर एक है और मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज हिंदी में ही अवेलेबल है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है ट्रेड स्टोन, जो आई थी 2019 में। ये एक एक्शन वेब सीरीज है। वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक सीक्रेट प्रोजेक्ट ट्रेड स्टोन की, जो कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा होता है। इस प्रोजेक्ट के तहत ये लोग नॉर्मल ह्यूमन को एक सुपर ह्यूमन बनाना चाहते थे। ये लोग ऐसे सोल्जर्स बनाना चाहते थे जो लोग इनकी बात माने, इनके कहे अनुसार चले और इनके ऑर्डर्स का पालन करें। वो सोल्जर्स कभी भी इनके ऑर्डर्स को नहीं टाल सकते। इसी तरह के कुछ सोल्जर्स को ये लोग बनाना चाहते थे, जिनको बनाने में ये लोग सफल भी हो गए थे। लेकिन उन्हीं में से एक था जेसन ब्रॉन्स, जो इनके चंगुल से छूट जाता है। आगे क्या होता है वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज द मिस्टीरियस बेनेडिक्ट सोसाइटी, जो आई थी 2021 में। ये एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक बहुत बड़े स्कूल की, जो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देता है, जिसमें वो लोग बोलते हैं कि वो लोग बहुत सारी स्कॉलरशिप फ्री में देने वाले हैं बहुत से बच्चों को, लेकिन उनको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जिनके पास खास स्किल हो। और उनके इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ के बहुत से लोग पहुंच जाते हैं उनके स्कूल में। उसी में से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। जिन बच्चों के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, वो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और उनकी मुलाकात होती है एक बेनेडिक्ट से, जो उन्हें एक सीक्रेट मिशन पे भेज देता है सीक्रेट एजेंट्स बना के। आखिर वो सीक्रेट मिशन क्या है और इनके पास कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, वो तो आप इस वेब सीरीज के अंदर ही देखिएगा। ये वेब सीरीज एक बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज है, जो अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है आउटर बैंक्स। वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई जॉन की, जिसके फादर काफी समय से लापता होते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ उनको ढूंढने के लिए भी जाता है, लेकिन कहीं भी उनका कोई पता नहीं चलता। लेकिन इसके पिता को ढूंढते ढूंढते इनको एक बहुत बड़े खजाने के बारे में पता लग जाता है, जिसके बाद आगे क्या होता है वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसके दो सीजन आ गए हैं और दोनों ही सीजन हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिला 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है स्काई रोज। वेब सीरीज आई थी 2021 में। ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है तीन लड़कियों की, जो लोग एक क्लब के अंदर काम करती हैं। लेकिन ये लोग अपने काम से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वहां पे इनकी कोई भी इज्जत नहीं है, इनको बस यूज किया जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और एक दिन इसी तरह परेशान होकर गलती से इन लोगों से इनके बॉस का मर्डर हो जाता है, जिसके बाद ये लोग भाग जाते हैं उस क्लब से। पर उस क्लब के जो बाकी ओनर्स हैं, वो लोग इनको किसी भी कीमत पे मारना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उनकी एक साथी को मारा है। आगे क्या होता है आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इसके दो सीजन आ गए हैं, दोनों ही हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है नेवर हैव आई एवर सीजन 2, जो आई है 2021 में। ये कॉमेडी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर सीजन 1 के बाद की स्टोरी को दिखाया गया है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई देवी की, जो अब एक साथ दो लड़कों को डेट करने के बारे में सोच रही है, यानी वो एक साथ दो बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। और दूसरी तरफ एक महीने बाद उसको इंडिया भी जाना है, और हो सकता है उसके बाद वो कभी वापस USA आए भी ना। और दूसरी तरफ अगर उन दोनों लड़कों को ये पता लग गया कि देवी एक साथ दोनों को डेट कर रही है, तो क्या होगा और देवी एक साथ दोनों को कैसे हैंडल करती है, ये सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, आप इसके दोनों सीजन हिंदी में देख सकते हैं। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है फायरफ्लाई लेन। ये वेब सीरीज आई है 2021 में। ये एक ड्रामा रोमांस वेब सीरीज है। वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई टूली और केट की, जो बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। उन्हीं की लाइफ हमें इस वेब सीरीज में दिखाई गई है, जिसके अंदर हमें उनके बचपन से लेकर 40s तक की पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी। हमें पता लगेगा कैसे बड़ी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी इन्होंने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इस वेब सीरीज को देख के आपको दोस्ती का असली मतलब पता चलेगा। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है सेंचर वर्ल्ड। ये वेब सीरीज आई है 2021 में। ये एक एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक वॉरियर की, जो अपने हॉर्स के साथ एक बैटलफील्ड के अंदर उतरता ताकि वहां पे वो दुश्मनों को मार सके। लेकिन दुश्मन उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से उसका हॉर्स एक दूसरी दुनिया के अंदर गलती से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां पे बहुत सारे अजीब अजीब अलग अलग साइज के अलग अलग शेप के जानवर होते हैं, जो लोग बोल सकते हैं, जो लोग गाना गा सकते हैं। लेकिन इस हॉर्स को किसी भी तरह वापस पहुंचना है बैटलफील्ड में। आगे क्या होता है आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज हैप एंड लियोनार्ड, जो आई थी 2016 से लेकर 2018 तक। इसके अभी तक तीन सीजन आए हैं और तीनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं। ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई हैप और लियोनार्ड की, जिन लोगों को पता लगता है बहुत सारे पैसों के बारे में, जो हैं एक नदी के अंदर, वो भी $30 million, जिनको किसी भी तरह पाना चाहते हैं। लेकिन एज यूजुअल इतना आसान तो नहीं उन पैसों को पाना, क्योंकि इनके रास्ते में कुछ बहुत बड़ी रुकावटें आ जाती हैं, जैसे हैप की एक्स वाइफ और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग जो इनको मारना चाहते हैं और साथ ही साथ उस पैसों को पाना चाहते हैं। ऐसे में ये लोग क्या उन पैसों को उस नदी से निकाल पाते हैं, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट वेब सीरीज है द पेंथाउस वॉर इन लाइफ। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है। ये कोरियन ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई तीन औरतों की, जिसमें से एक औरत जो बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन वो किसी को भी अपने से आगे नहीं निकलने देना चाहती, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ एक औरत है जो गरीब है, लेकिन वो इतनी लालची है कि वो अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकती है। तीसरी तरफ एक और औरत है जो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। और वेब सीरीज की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हीरा होटल, जो एक बहुत बड़ा पेंट हाउस है, जिस होटल से एक आदमी गिर के मर जाता है। लेकिन उसके मरने में इन तीनों का कोई ना कोई हाथ जरूर है। आखिर इन तीनों का उस आदमी के मर्डर में क्या रोल है, वो आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर।
हमारी फर्स्ट वेब सीरीज लोकी जो आई है 2021 में, ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज है। अगर आपने एमसीयू की मूवीज देखी है तो आपको लोकी का कैरेक्टर तो याद होगा जो शरारतों का देवता कहलाता है। उसने 2012 की एवेंजर्स मूवी के अंदर एवेंजर्स की नाक में दम कर दिया जब वो थानोस की चित्तौरी आर्मी को लेके पहुंच गया था न्यूयॉर्क को बर्बाद करने के लिए, पूरी पृथ्वी पे कब्जा करने के लिए, लेकिन एवेंजर्स ने उसे किसी तरह रोक लिया था, जिसके बाद से ऑडियंस को लोकी का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था और ऑडियंस लोकी को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन पे देखना चाहती थी। इसीलिए एमसीयू ने लोकी के ऊपर पूरी की पूरी वेब सीरीज ही बना दी। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी शुरू होती है आयरन मैन की, जब आयरन मैन टाइम ट्रेवल करके जाता है 2012 में और आयरन मैन की गलती की वजह से उस समय का लोकी आजाद हो जाता है और टेसरेक्ट लेके भाग जाता है। उसके बाद की स्टोरी आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी कि आखिर लोकी उसके बाद कहां गया था। इस वेब सीरीज के अंदर आपको केवल एक लोकी की नहीं बहुत सारे लोकी की कहानी देखने को मिलेगी। इस वेब सीरीज के अंदर हर एक वो चीज है जो एक नॉर्मल वेब सीरीज को एक धमाकेदार वेब सीरीज बना सकती है, इसलिए आप इस वेब सीरीज को जरूर देखें। वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, इसको रेटिंग्स में 8.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।